हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रुति एकेडमी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है कुछ टर्म्स लिखी हैं एंड अक्सर स्टूडेंट्स को जो है इन टर्म्स में जो है कन्फ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि इन टर्म्स की वैल्यू क्या है, इन सारी टर्म्स की वैल्यू क्या है, सेम है, बट ऐसा नहीं है। सो आज हम जो है इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और जानेंगे कि इस टर्म की वैल्यू क्या है, इस टर्म की वैल्यू क्या है और इन टर्म्स की वैल्यू क्या है। ओके अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर a पावर m ब्रैकेट में और फिर उसके बाद n, जब ये पावर ये क्या हो, ब्रैकेट में हो, एक पावर ब्रैकेट के अंदर और एक पावर ब्रैकेट के बाहर, सो पावर किस क्या होती है, मल्टीप्लाई मीन्स a पावर mn होता है ना। सो इसी तरीके से सबसे पहले हम जो है ब्रैकेट वाली जो है टर्म्स को जो है सॉल्व करते हैं, जहाँ पे जो है ब्रैकेट हमें जो है दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो है ये क्या है, ब्रैकेट है ना, यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ब्रैकेट है, तो पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। सो ये हो जाएगा 2 एंड 3 टू ज़ा 6, हेयर ऑल्सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। सो ये आ गया इनका आंसर। तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 6, इसकी वैल्यू क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 6। ओके अब हम इनकी जो है इन टर्म्स की वैल्यूज निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ब्रैकेट नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ब्रैकेट नहीं है, फिर भी वो क्या करेंगे, वो लिख देंगे 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और यहाँ पे भी 2 लिख देंगे और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, पर ये बिल्कुल गलत है। ये इसकी वैल्यू नहीं है, इन टर्म्स की वैल्यू 2 रेज़ टू द पावर 6 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ब्रैकेट नहीं है, तो इसलिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस 2 को हम हाइड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, जैसे अगर मैंने अगर सपोज अगर 2 हाइड कर लिया, ठीक है, 2 अगर मैंने रब कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 रेज़ टू द पावर 3। 2 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स कि 2 जो है 3 टाइम्स हमें जो है मल्टीप्लाई करना है। सो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। सो आंसर क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 8। सो यहाँ का जो 2 था हमारे पास वो, सो 2 एज इट इज, और 2 रेज़ टू द पावर 3 अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, 8। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 2 एज इट इज। अब 3 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स 3 को जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 3 ज़ा 9। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 रेज़ टू द पावर 9, है ना। सो देखा आपने कि इन दोनों टर्म्स की वैल्यू जो है 2 रेज़ टू द पावर 6 नहीं होती। अब हम जो है एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए आप 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड रेज़ टू द पावर 2। ओके यहाँ पे अब कोई ब्रैकेट नहीं, अब इसी को जो है हम जो है ब्रैकेट में लिखते हैं, लाइक 2 रेज़ टू द पावर 2 ब्रैकेट, रेज़ टू द पावर 2 ब्रैकेट एंड रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, पावर पावर पावर, 3 टाइम्स पावर 2 है, इधर भी 3 टाइम्स पावर क्या है, 2 है। अब आप बताओ कि इन दोनों का आंसर क्या सेम आएगा, नो। अब हम देखते हैं कैसे आएगा, क्या आएगा, और अगर सेम नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। ओके अब यहाँ पे जो है ब्रैकेट है, सो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो आंसर क्या आ गया, 2 रेज़ टू द पावर 8। ओके अब यहाँ पे देखो, अब सोचो आप कि ये 2 रेज़ टू द पावर 2 नहीं है, सो 2 रेज़ टू द पावर 2 कितना हो गया, 2 रेज़ टू द पावर 2 कितना होता है, 4, है ना। सो 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 2 कितना हो गया, 4, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज़ 4। अब आप देखो यहाँ पे है 2 रेज़ टू द पावर 4, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 4 मीन्स 2 को हमें जो है कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करना है। सो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16। सो अब आप देख सकते हो कि दोनों की वैल्यू जो है क्या आई है, अलग आई है, तो इट मीन्स कि ये इनमें क्या है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कि यहाँ पे जो है ब्रैकेट नहीं था और यहाँ पे क्या था, ब्रैकेट था। ओके होप यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो।